जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। पर अगर जल ही मछली का साथ छोड़ दे तो मछली कहाँ जाए? इस प्रश्न का उत्तर जब आप देखोगे तभी तो समझोगे, और समझोगे तभी तो जानोगे। ये तालाब तो कुछ अजीब सा गंदा हो रहा है महाराज। चीखे सुनी तुमने? हाँ महाराज, अजीब बात है, कोई तालाब के अंदर से आवाज दे रहा है। मुंजा, इस तालाब के बीचों बीच चलो। मुंजा, यहाँ तालाब के बीचों बीच भी पानी गंदा है और इसमें से एक अजीब बदबू आ रही है। राक्षस ने सारा जल प्रदूषित कर दिया है, जल्दी ही सारी नदियाँ, नहरें और तालाब सूख जाएंगे। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। महाराज आप ठीक तो है ना? तो उन मछलियों ने आपसे मदद मांगी, पर ये राक्षस है कौन जो पानी को प्रदूषित कर रहा है? यही तो पता करना है मुंजा। अब क्या करें महाराज? अब बस एक ही रास्ता है। ओम मां भद्रकाली नमः। ओम मां भद्रकाली नमः। ओम मां भद्रकाली नमः। माँ, मेरी सहायता कीजिए माँ। इस पहेली को समझने में मेरी मदद कीजिए माँ। अगर समस्या ही पता नहीं होगी तो उसका समाधान कैसे मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा समाधान मानसरोवर में मिलेगा। मानसरोवर? मानसरोवर का जल स्रोत जीवंत है, पवित्र। इस जल स्रोत का एक कलश पानी ही एकमात्र उपाय है। जैसे ही तुम वो पानी नदी और तालाब में डालोगे सब ठीक हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा माँ। पर तुम्हारे पास समय बहुत कम है विक्रम। कल रात के बाद पतझड़ की शुरुआत होने वाली है। अगर इस प्रदूषण को नहीं मिटाया गया तो मुमकिन है कि ये पतझड़ कभी खत्म ही ना हो। अब हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी मुंजा। रुक जाओ, कौन हो तुम लोग? ये महाराज विक्रमादित्य हैं और मैं हूँ इनका सेवक। हमें इस जल स्रोत से एक कलश पानी चाहिए। क्या आपके पास हमारे देव की अनुमति है? देखिए, हमारे पास समय नहीं है, हमारे राज्य को मानसरोवर के जल की जरूरत है। बस एक बार हमारी समस्या हल हो जाए हम वापस लौटकर देव जनों का धन्यवाद करेंगे। नहीं, तुम्हें इसकी अनुमति नहीं है। देखिए, मेरी विनती है आपसे। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे।
का व्यवहार अत्यंत शर्मनाक है। हमें ये पानी अपने राज्य को बचाने के लिए चाहिए। आपको दूसरों की मदद के लिए अपने संसाधन बांटने से संकोच नहीं करना चाहिए। हमें क्षमा कीजिए, इस पवित्र जल के स्रोत की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसीलिए हमने आपको रोका। दूसरों की मदद करना भी आपका कर्तव्य है। आपने आपका कर्तव्य निभाया और हमने अपना। कैसे निपटे महाराज? मुंजा, इसे संभाल कर रखो। चमत्कारी जल का इस्तेमाल करो। आप ठीक तो है ना महाराज? हाँ मुंजा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ भद्रकाली नमः। ओ माँ भद्रकाली नमः। देखा कैसे मानसरोवर के सिर्फ एक कलश पानी से इस राक्षस का नाश हुआ और ये तालाब फिर से जीवित हो उठा। इसी तरह आपके भीतर की अच्छाई बड़ी से बड़ी बुराई को हरा सकती है, जैसे कि हमारे महाराज हर बुराई का विनाश कर विजयी होते हैं। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और अगली बार फिर मिलूँगा।